अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एक बटन और खोपड़ी उड़ी, ठीक है। अमेरिका में बहुत पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप को जिस राइफल से मारा गया, वो राइफल बहुत न्यूज़ में रहती है। अगर ये राइफल सच में जिगरे से कोई चला देता तो ट्रंप का जिगरा आज रिप में होता, ऐसे लिखा होता, ठीक, ये रेस्ट इन पीस होते। और तो कोशिश है की गई थी, लगातार 3 गोलियां चलाएंगे, बट इनकी किस्मत अच्छी है, यहाँ से छूके निकल गए, यहाँ नहीं गए। अगर ये अलग जाती तो ट्रंप साहब नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि इनके जाने से राजनीति में किसको इनकी पार्टी में फायदा होगा? भाई जो ब्रिटेन के अपोजिट में और कौन खड़ा होता है अगर इनको कुछ हो जाता? बात ही आती, ये जरा सोचना इनको मारने का कारण क्या होगा। अब आते हैं, रविवार को राष्ट्रपति चुनाव की रैली के दौरान एक घटना घटी। इसमें क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ, उनके दाहिने कान से आर पार हो गए, सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई की और खून से लथपथ चेहरा देखकर वो मंच से नीचे उतारे गए, शूटर को मार गिराया गया। हमले का मकसद अभी तक नहीं पता है। हमलावर की पहचान कर ली गई है, पेंसिल्वेनिया के बैथल पार्क हैं, इनका उम्र 20 साल है, ठीक है, और इनका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स। सीक्रेट सर्विस के अनुसार उन्होंने AR-15 इस टाइप की राइफल का इस्तेमाल किया। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, AR-15 राइफल जो है वो जंगलों में यूज़ की जाती है जानवरों को मारने के लिए, चिड़िया उड़ाने के लिए। अच्छा, अमेरिका में एक प्रॉब्लम क्या है ना, अमेरिका में दिवाली के पटाखों की तरह राइफल फ्री बांटी जाती है। मतलब नॉर्मल स्टोर पे जाके आप बंदूकें खरीद सकते हो, 1889 के बाद की कोई भी बंदूक कोई भी गोली आप खरीद सकते हो। ये रीज़न वहाँ स्कूलों में टीचरों पर गोली चला दी जाती, अगर टीचर से कहा कि ये मेरी वाली है इनको मत छेड़िएगा, आपने छेड़ दिया आपको मार देगा। हाई स्कूल का बच्चा टीचर को गोली मार देता, तो वहाँ पर क्राइम रेट है। आप नहीं कह सकते अमेरिका बहुत अच्छा है, वहाँ पर क्राइम रेट भी है। इसके बाद बटलर में एक रैली में ट्रंप के मंच पर आने के कुछ मिनट बाद कम से कम 5 गोलियां चली। एक गोली इनके कान के ऊपरी हिस्से पर लग रही, सिगरेट सर्विसर खून से लथपथ चेहरे से उन्हें उतार दिया गया, और 20 वर्षीय शूटर है जिसने हमला किया था, ट्रंप की किस्मत अच्छी थी ये बच गए। अब इस राइफल की बात करें, ट्रंप पर हमले के बाद एक काउंटर स्नाइपर टीम तुरंत पहुंची, उसने इन्हें बचाया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो राइफल है इसका नाम है AR-15 सबसे लोकप्रिय सबसे पहचाने वाले हथियारों में से एक है। इसका इस्तेमाल हाई प्रोफाइल गोलाबारी में किया जाता है। AR एक सिविलियन राइफल है जो आधुनिक स्पोर्टिंग राइफल की श्रेणी में आती है, प्रतियोगिता और सरकार के लिए किया जाता है। AR का मतलब है आर्म लाइट राइफल। क्या नाम है इसका? आर्म लाइट राइफल। इसे बनाने वाली कंपनी के नाम पर रखा गया। 1950 के दशक में सबसे पहले विकसित किया गया था। हथियार का डिजाइन 1959 में कोल्ट नामक एक अन्य कंपनी को बेचा गया था। इसका अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिक भी करते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार ये राइफल बहुत तेज गति से गोली जाती है, कुछ ही सेकंड में कई लोगों को मार सकती है, और सोचो स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती है। इतना खतरनाक वेपन वहाँ स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, पब्लिकली उसे बेचा जा रहा है, और आप कह रहे हो कि वो सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? एक ही गोली खोपड़ी उड़ाने और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को छेदने के लिए पर्याप्त है। देखो कह रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तो मार्केट में बेचते हैं, भाई हमको कोई तकलीफ नहीं, आपको है तो अपने घर जाओ, ठीक। आइए अब अगला न्यूज़ पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। बट यहाँ क्या है कि